दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है इसलिए खाना खाने आ गए हैं भाई और बिरयानी ऑर्डर दे दिए। क्या हुआ ना, पहले जब मूवी स्टार्ट हुआ था तब धीरे धीरे लग रहा था कि कुछ इमोशन ज़्यादा नहीं दिखा रहा, सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा है। तो इन्होंने देश के बारे में दिखाए हैं, किसान के दुख के बारे में दिखाए हैं और आर्मी के दुख के बारे में भी दिखाए हैं कुछ, और साथ के दोस्तों आई नो कि भाई आँखों में आप लोगों को थोड़ा नींद दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सारा रात सोए नहीं है तो आँख भी थोड़ा फूल गया है। और अभी जा रहे हैं रांची मूवी देखने के लिए भाई। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं काड़ा बगल। आज प्रकाश बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। प्रकाश, व्हाट इज द रीजन जवान मूवी जो है इतना मस्त, मतलब सबको इतना अच्छा रिव्यू दे रहा है, इसीलिए देखने के लिए हम लोग भी जा रहे हैं। मेरे को बारिश में भीगना बहुत ज्यादा पसंद है तो इसीलिए भीग रहा हूँ भाई वहाँ। तुम्हें शर्म है कुछ? अपन रांची पहुंच चुके हैं और अभी आप सभी देख सकते हो ओवर ब्रिज में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो थोड़ा बारिश में भीग के ही सही यहाँ रुकते हैं। भूख लग रहा है, थोड़ा कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रांची स्टेशन का ब्यूटीफुल नज़ारा आप लोगों को इधर से दिखेगा भाई। वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। गाइस हम लोग तो न्यूक्लियस पहुंच चुके हैं, चलिए ऊपर उठते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं PVR, PVR में देखेंगे। दोस्तों अपन मूवी देख के निकल गए और भाई क्या मस्त मूवी है यार, मेरे को तो अच्छा लगा, लेकिन मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि बहुत ही घटिया फालतू मूवी है भाई, इसको एकदम अच्छा नहीं लगा। कैसे अच्छा नहीं लगा उसे ही जानते हैं भाई। मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गया, मेरे को बता रहा है कि तू बेकार में मेरे को लेके आया, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, अबार एक्सीजरेट कर रहा बोल रहा है, और भाई मेरे से गुस्सा हो गया। आप सभी देख सकते हैं मेरे को देख भी नहीं रहा है। कंट्रोल कंट्रोल भाई क्यों बोल रहा था बीच बीच में, मेरे को एकदम मूवी अच्छा नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा? क्या हुआ ना, पहले जब मूवी स्टार्ट हुआ था तब धीरे धीरे लग रहा था कि कुछ इमोशन ज़्यादा नहीं दिखा रहा, सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा है, तो उसमें ज़्यादा इमोशन में जोड़ नहीं पाता है, इसीलिए इसको बोलते रहते थे कि मूवी में अभी तक इतना देर हो गया, आध घंटा के ज़्यादा हो गया था, लेकिन मूवी में अभी तक जोड़ नहीं सका, डायरेक्ट एक घटना को दिखा के उसको एक्शन में जोड़ दे रहा था। ठीक है, बाद में मूवी में इतना एक्शन और भरपूर है और पूरा इमोशन में जोड़ देगा और बहुत मज़ा लगेगा मूवी को देखने के लिए। तो थोड़ा देर के लिए लगेगा कि डायरेक्ट अपना एक एक्शन दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा देर मूवी में जब सेकेंड स्टेज में आएगा उसके बाद मूवी शुरू होता है एकदम पूरा, जब डबल रोल होता है शाहरुख खान का जब वो आ जाता है तब बहुत अच्छा मूवी हो जाता है। हम तो बहुत ही अच्छा लगा अनुप भाई, और ये जो लड़के से पहले ये पठान के बाद ये जो मूवी आई थी जवान, इसको लोग बायकॉट करने लगे थे, तो हमको लगा था कि ये मूवी अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छा ही है। और ये किंग खान हमारा शाहरुख खान का ये मूवी बहुत ही शानदार सा है, इन्होंने देश के बारे में दिखाए हैं, किसान के दुख के बारे में दिखाए हैं और आर्मी के दुख के बारे में भी दिखाए हैं कुछ, और साथ के भी बारे में बहुत कुछ दिखाए हैं। हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं कि हम लोग का इंडिया में कैसे, मतलब कि कमजोरी दिखाया जाता है राजनेताओं के द्वारा, इसीलिए जो है कुछ ऐसे लोग भी इसको बायकॉट करने की कोशिश कर रहे थे। किंग खान का बहुत ही शानदार सा ये मूवी है। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस मूवी में जो तीन सबसे बड़े मुद्दे उठाए गए हैं वो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। हाँ,
बहुत बड़ा तीन पॉलिटिकल बातें बताया गया है इस मूवी में। जो सबसे बड़ा तीन पॉलिटिकल बातें हैं वो क्या है और कितना सच है जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है इसलिए खाना खाने आ गए हैं भाई और बिरयानी ऑर्डर दे दिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खाएंगे तीनों जन भाई। प्रकाश का बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और अशोक काबू हो चुका है और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, अभी चैलेंज लिए हुए हैं 48 घंटा बिना सोए रहने का, तो 48 घंटा होने वाला ही है। बस 6 बजे तक इंतज़ार करना है, 6 बजते ही 48 घंटा कंप्लीट। उसके बाद आज जो रात सोएंगे ना, नहीं भाई अपना काम जो कर रहे हैं वो काम करना पड़ेगा। अभी सोना नहीं है, अभी बिरयानी आएगा तो अभी खाना है। लंबा इंतजार के बाद भाई मिल चुका है बिरयानी। हम लोग अभी जा रहे हैं, ये दोनों छाता में बांट रहे हैं और मैं भीग रहा हूँ, शर्म नहीं आ रहा है, मेरा कैमरा भी भीग रहा है इन लोगों को। हाँ शर्म आ गया, छाता दे दिया। अब आए ना लाइन पे। प्रकाश जो सामान लेना चाह रहा था मिला नहीं भाई, दुकान दुकान हम लोग बहुत घूमे बट मिला नहीं इसको। ओवर एक्टिंग करता साला। दोस्तों जवान मूवी सच में यार मस्त है। इसका 3 बजे जो मैंने देखा और मेरे को लगा ये मूवी लोगों को देखना चाहिए। वो सामाजिक मुद्दा है भाई, जो आम इंसानों का, आपका मेरा और मेरे जैसे आपका जैसे हम लोगों का जैसे बहुत सारा भारत के लोगों के एक अहम बात को दर्शाता है और रखता है ये फिल्म। हाँ इसके काउंटर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लॉजिक भी दे रहे हैं लेकिन बात तो दमदार है भाई इस मूवी में। पहला, इस मूवी में किसानों का हालत के बारे में बताया गया है। जब कोई किसान 40,000 का भी लोन लेता है और लोन चुका नहीं पाता है, किसी भी प्राकृतिक कारणों से नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे खेती वगैरह नहीं हो पाता है, तो किसान नहीं आराम से चुका पाता है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं गांव से हूँ तो मुझे पता है ये सब के बारे में। बैंक के लोग आके सच में यार बहुत सताते हैं, परेशान करते हैं, ये तो सच्चाई है। जहाँ एक तरफ सरकार इस बात को उतना नहीं देखती कि किसानों का हालत इतना ख़राब है, तो उन लोगों का जब 40,000 भी माफ़ हो जाए तो वैसा भी नहीं हो पाता है, बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं दूसरा तरफ जब एक बिजनेसमैन होता है, कोई बिजनेस हो जाता है, तो उन लोगों को लॉस के नाम पे अगर वो लोग धंधा कुछ और भी कर रहे हैं ना, तो बिजनेसों का अगर लॉस हो जाए तो भाई उन लोगों को सरकार मदद करती है। जैसे 40,000 करोड़ का फ्लिप एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सरकार इतना आराम से माफ़ कर देती है लेकिन किसानों का 40,000 रुपया भी माफ़ नहीं कर पाती है। तो ये एक मुद्दा था जो फिल्म में बहुत अच्छा एक टॉपिक है, इसलिए दर्शकों को मतलब खींच के ला रहा थिएटर तक। और एक मुद्दा जो ट्रैक्टर खरीदने का बात किया गया, ये बात सच है कि एक मर्सिडीज में टैक्स कम लगता है कंपेयर टू एक ट्रैक्टर में। और भाई सरकार ये क्यों नहीं देखती है, एक मर्सिडीज कौन खरीद सकता है, हायरी क्लास लोग, जो लोग मतलब बहुत सारा पैसा है जिन लोगों के पास, और ट्रैक्टर साधारण किसान ही खरीदते हैं। और किसानों का हालत के बारे में आप सभी को पता है ही। और एक बहुत बड़ी बात जो फिल्म में डिस्कस किया गया है, हॉस्पिटलों का हालत के बारे में। हाँ भाई ये बात तो सही है कि इंडिया में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें उतना सुविधा नहीं है, जो मरीज होते हैं वो लोग जाते हैं और इलाज नहीं हो पाता, छोटे हॉस्पिटल है वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं, यहाँ वहाँ रेफ़र के चक्कर में जो मरीज होता है उसको बहुत दिक्कत होता है। ये एक बात बहुत अच्छा उठाया गया जो हॉस्पिटल का हालत है उसके बारे में। और एक बात मेरे को जो अच्छा लगा, हम लोगों का वोटिंग सिस्टम के बारे में जो उठाया गया है, लोकतंत्र है, हम लोग किसी भी नेता को इमोशनल होकर कास्ट को देख के, अपना कास्ट अपना जाति का है ये देख के, या गांव का है,
लोकल का है ये सब देख के हम लोग वोट देते हैं, या मेरा धर्म का है ये सब देख के वोट देते हैं। लेकिन वोट उसी को देना चाहिए जो एक्चुअल में काम करता है, लोगों के हित में काम करता है। ऐसा नहीं आप लोग वोट दे के जिता दिए और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं आ रहा है, आपका जहाँ से जीता है उसी इलाका में नहीं आ रहा है और वहाँ का ही हालत बहुत ख़राब है, फिर भी हम लोग वोट देते जाते हैं। सच में जो हम लोग जो डे टू डे अपना लाइफ में फेस कर रहे हैं, 5 साल किसी को वोट दे के जिताते हैं, वो अगर वो काम करता है उसे वोट दो, हम लोग देते भी हैं, वो जिताते भी हैं, जिस बेसिस पे देते हैं जिस बेसिस पे, अपना अपना अलग अलग राय हो सकता है कि मेरे लिए वो नेता सही है, मेरा काम उससे होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से ज़रूर वोट दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ किसी को दीजिए मत दीजिए, ठीक है सब सही है, लेकिन आप लोग देखिए कि आप लोगों के लोकल में क्या काम हुआ है, अगर हुआ है तो ज़रूर उसे वोट दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो सिर्फ जात मेरा जात का है, मेरा गांव घर का है ये सोच के तो नहीं देना चाहिए। ये जो मुद्दे हैं ये उठाया गया इस फिल्म में, इसीलिए भाई लोग अभी अपने टाइम में कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इसको फेस कर रहे हैं, इसीलिए शाहरुख सर को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और जाके थिएटर जाके भाई लोग भर भर के थिएटर में मूवीज़ देख रहे हैं, अभी भी थिएटर में लोग देखने जा रहे हैं। आप सभी सोच सकते हैं कितना क्रेज़ है मूवी का जो थीम है ना, जो कहानी है, जो आम आदमी के बारे में बताया है, इसीलिए लोग आम आदमी जो है वो आम आदमी देखने जा रहा है मूवी को, तभी ये मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन कर पाया है। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो किसान है, ठीक है, वो इस फिल्म से खुद को रिलेट कर पा रहा है। हम लोग भी देखने गए, फिल्म एकदम मस्त है, देख के अच्छा लगा कहानी। हाँ लेकिन सभी का अपना अपना थॉट होता है अपना, तो आप लोग अगर देखते हैं तो अपने नज़रिए से सोचिए, मैं नहीं कहता मेरे नज़रिए से सोचना चाहिए, आपका अपना नज़रिया है, अपना नज़रिए से सोचिए। अगर आपको आप मूवी देख चुके हैं और मूवी आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप मेरे बात से एग्री करते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए, और अगर डिसएग्री करते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए। भाई वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।